फ्रेंड्स, तो मैं हूं मनीष मौर्य और इस वीडियो में आप लोगों को बात करने वाला हूं द चैम कॉइन टीसीसी के ऊपर क्या होगा टीसीसी का। बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन था एंड मोयरे से भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है और आपके मन में भी होगा, जो मैं यहां पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि टीसीसी का रेट इंक्रीज होगा या नहीं, क्या फ्यूचर है टीसीसी का। आइए हम जानते हैं कि क्या आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है टीसीसी में आपका वेस्ट चल रहा है, कोई लाइफ है। आइए हम फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जो लोग पिछले क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे उनका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए बोलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर द चैम कॉइन। ये आप लोग को जो सामने शो हो रहा है ये टीसीसी का ट्विटर अकाउंट है, यहाँ से आप लोग को सारे अपडेट मिलते रहते हैं। जो फिलहाल अपडेट है यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग कुछ नहीं गूगल में जाइए, टीसीसी ट्विटर अकाउंट लिखेंगे तो आप लोग को सारा अपडेट यहाँ से मिलता रहेगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है टीसीसी का ऊपर लेकर के, क्या इसका फ्यूचर है, इसका रेट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन जानते थे स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आप लोग का मन में एक क्वेश्चन होगा कि टीसीसी का रेट इंक्रीज क्यों नहीं होगा हो रहा है, रेट से ही सारा आप लोग का है क्वेश्चन ज़्यादातर, ठीक है। तो आइए इसी पे मैं आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो को आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने का आपको कुछ भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपके मन में कोई विचार हो या कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए टीसीसी का रेट इंक्रीज ना होने का बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट रीज़न जो है वो है गवर्नमेंट का इंडियन में क्रिप्टो करेंसी का लीगल नहीं करना, ये फर्स्ट रीज़न है। अगर गवर्नमेंट ही लीगल नहीं करेगा इंडिया क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है ही नहीं, तो देखा जाए तो रेट इंक्रीज होना, रेट किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे रेट इंक्रीज करने में इंडिया का जो लाइट होगा उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। और सेकेंड जो मोस्ट रीज़न है वो है हम सबकी मन में जो एक और जो हम लोग की रहता है कि कंपनी को हम लोग दोष देते हैं, जो टीसीसी की कंपनी है उसने हमारे मतलब हमारा पैसा टीसीसी में इन्वेस्ट कराया, अब वो कुछ नहीं कर रहा, वो कंपनीज के ऊपर ना हमें अपडेट देखने को मिलता है ग्रुपों में, ना कहीं कुछ मिल रहा है, तो हम सारा दोष उसे दे रहे हैं। तो क्या ये कहाँ तक सही है? चलिए ये भी हम जान लेते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसका रेट घटने का मेन जिम्मेदार कौन है और क्या इसका रेट बढ़ सकता है, सारा मैं मेन टॉपिक में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप जरूर ध्यान से पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आपके पास टीसीसी है तो देखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, देख भी सकते हो नहीं भी देख सकते, लेकिन अगर है आपके पास टीसीसी, अगर आप चाहते हो टीसीसी का कुछ हो तो इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओ टीसीसी को, क्योंकि कुछ नॉलेज रहेगा, कुछ जानोगे कि रेट इंक्रीज होगा कैसे, ठीक होगा, कुछ न्यूज रहेगा तभी तो आप कुछ करोगे ना, टीसीसी रख करके आचार डालोगे आप नहीं ना। तो चलिए फिर दोस्तों जानते हैं। फर्स्टली रीजन तो मैंने आप लोग बता दिया कि इंडिया में टीसीसी का लीगल एंड अदर क्रिप्टो करेंसी का बीटीसी का लीगल नहीं है इंडिया में, ठीक है। इस वजह से रेट घटने का जो मेन है जो इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड टीसीसी, देखिए दोस्तों आप सभी के पास टीसीसी है, आप लोग कंपनी को दोष दे रहे हो कि कंपनी नए एक्सचेंज पर नहीं ला रही है। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग के मन में जो डाउट है, जो कंपनी को आप लोग बोल रहे हो ना कि न्यू एक्सचेंज पर नहीं ला रहा है, ठीक है, ये आप लोग हक बनता है क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आप लोग की और कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कंपनी अपडेट नहीं देता है, इसी की वजह से बहुत सारा जो है अपडेट देता है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो और भी बहुत है कि टाइम से अपडेट नहीं दे पाता है, ये लोगों को मतलब हैंडल नहीं कर पाता, ये कंपनी की भी कुछ कमी है। ये तो हो गया बात कंपनी की कमी की, अब हमारे अंदर क्या कमी है दोस्तों, मैं खुद भी बताता हूँ। मेरे पास भी टीसीसी मार्केट ऑफ एक्सचेंज पे है ना टीसीसी, उस पर तो मैंने कभी ट्रेंड किया ही नहीं, यहाँ तक कि जितने लोग के पास टीसीसी है आप बताओ मेरे को कितने लोग, कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोगों ने मार्केट एक्सचेंज पे टीसीसी की मार्केट एक्सचेंज पे टीसीसी की सेल बाय किया है, वहाँ पर ट्रेडिंग कितने लोगों ने किया है। जब आप लोग ट्रेडिंग करोगे ही नहीं, एक छोटी सी एक्सचेंज पे जब आप लोग ट्रेडिंग करके उसका रेट इंक्रीज करने में नहीं सहयोग दे पा रहे हो, तो बड़े एक्सचेंज पे आप कैसे उसको मेंटेन करोगे, कैसे हैंडल करोगे, जब किसी यूजर ही, ठीक है, ये मेन टॉपिक बता रहा हूँ, इसका रेट क्यों घटा टॉपिक जिसको आप लोग को समझना होगा, ठीक है। टीसीसी का रेट इसी वजह से घटा है, जब तक इस पर ट्रेडिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, कितने भी एक नए हज़ार एक्सचेंज पे ला दे फिर भी कुछ नहीं होने वाला जब तक इसका ट्रेडिंग ना हो। अगर आप एक छोटी सी जगह पे इसकी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, छोटी सी एक्सचेंज पे, तो बड़े बड़े एक्सचेंज पे कैसे होगा,
ये आप खुद सोचो ना, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोग कंपनी को गाली दे रहे हैं, मैंने देखा है टेलीग्राम के टीसीसी ग्रुप में, उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या आप लोग में से बताइए या ऐसे बहुत सारे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बताओ मुझे, अगर आपके पास टीसीसी है, ठीक है, कंपनी को दोष दे रहे हो तो मुझे ये सिर्फ बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्रेडिंग किया है, ठीक है। मैं भी देता हूँ कभी कभी, लेकिन सोचता हूँ यार गलती तो मेरी है, मेरे पास भी टीसीसी। सीखेंगे नहीं तो रेट कैसे इंक्रीज होगा। और रही बात किसी भी क्रिप्टो करेंसी या टीसीसी हो या अदर भी हो, आपके पास अगर टीसी करेंसी है, आपने बाय किया है, तो अचार डालने से नहीं रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर रेट इंक्रीज भी नहीं हो रहा है ना, तो आप जा करके ट्रेडिंग कीजिए, लॉस होगा या बेनिफिट होगा। हाँ, हो सकता है लॉस भी हो जाए, ज़्यादातर लॉस भी होता है, बेनिफिट भी होता है, ठीक है, 50-50 चांस है। लेकिन जब तक आपका लॉस होगा नहीं, तब तक आप सीखोगे कैसे। और कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग करना जानते हैं, वो क्या करते हैं ना, उनको रेट इंक्रीज डिक्रीज से नहीं मतलब होता है, कि वो अपने यहाँ रख कर अचार नहीं डालते हैं, ठीक है। अगर रेट कितना भी हो, वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं ट्रेडिंग करके, ट्रेडिंग करके वो लोग अपना मुनाफा। और टीसीसी को अदर एक्सचेंज में चाहो तो आप लोग एक्सचेंज पे अदर कॉइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वहाँ पे सेल बाई करके, तो बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसे सीखिए। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हो सकता है कि मेरे पास टाइम मिला तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, नहीं तो ये मेरा ऑनलाइन रिलेटेड लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन लास्ट वीडियो होने वाला है ऑनलाइन रिलेटेड टॉपिक पे इस चैनल के, ठीक है। तो आप लोग को और भी कोई डाउट होगा, इसीलिए मैं कंटिन्यू 3 दिन से वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ, और लंबे लंबे वीडियो जा रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना सकता, ठीक है। इसीलिए मैं एक ही वीडियो में जिनको देखना हो देख सकती है, आप देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, नहीं देखोगे तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, कि जब तक आप लोग ट्रेडिंग करोगे नहीं, तब तक इसका कुछ भी नहीं होने वाला, यही मेन मुद्दा है। जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो, आप लोग के पास टीसीसी है, आप लोग ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे, चाहे लॉस हो या बेनिफिट हो, ठीक है, इन दोनों में से तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो पर डे, ज़्यादा तो नहीं 10-15 मिनट भी ट्रेडिंग पे टाइम देते हो, ट्रेडिंग करते हो जाके मार्केट एक्सचेंज पे, तब वहाँ पे आता है, अगर उसके बाद कंपनी कुछ नहीं कर रही है, तब आप हक का हक बनता है कि कंपनी को आप लोग जा करके बोलो, कंपनी को आप दोष दे सकते हो। जब आप लोग खुद नहीं एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हो, जब कोई यूजर है ही नहीं मार्केट एक्सचेंज पे टीसीसी, अरे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 1+ मिलियन यूजर, ये क्या 1+ मिलियन कम है क्या, 10 लाख लोग यूजर हैं टीसीसी के, ठीक है, ये 10 लाख कम नहीं होता है। एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी इंडिया की जिसके 10 लाख इतने जल्दी यूजर बने 1 साल के अंदर, तो ये कोई नहीं है। अब इस 10 लाख में से अगर 100 लोग भी मार्केट टैक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो टीसीसी का क्या अचार डालने से रेट इंक्रीज होगा, कभी नहीं होने वाला। अब वो लोग जो ट्रेडिंग करोगे नहीं, मैंने देखा है टेलीग्राम ग्रुप पे कि वहाँ पे 3 बार बहस होता है टीसीसी को लेकर, कंपनी हमारा पैसा वेस्ट करवा दी, ये वर्मा फैमिली ने हमको लूट डाला, ये कर डाला, वो कर डाला। मैं यहाँ तक कि इस वीडियो को देखने बाद मेरे को भी गालियाँ पड़ेंगी, मैं जानने वाला हूँ, इस पे नहीं पड़ेंगे, जाकर पे आप लोग भड़ास निकालोगे मेरे पर्सनली में, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद समझो ना, जब हम लोग, हमारा हक कैसे बनेगा कंपनी को दोष देने का, जब हम ईमानदारी अगर निभाते हैं तभी हम कंपनी को दोष दे सकते, जब हम खुद गैर जिम्मेदार हैं तो दूसरे को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं, ठीक है। आई होप मेरे बातों को आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, हर वीडियो पता नहीं कैसे लंबा हो जाता है, क्योंकि आपको समझाने का मेरा मेन मुद्दा है। अगर वीडियो लंबा होता है तो कोई बात नहीं, आप समझिए प्लीज़ मेरी बातों को। और तभी इसका देखिए सीधी सी बात है, एक लाइन में बोलने वाला हूँ, कि इसका रेट तभी इंक्रीज होगा जब आप, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुरंत आपका मेन मोटिव बनता है कि आप तुरंत मार्केट एक्सचेंज पे अकाउंट बनाइए। अगर वहाँ पे आपको टीसीसी नहीं है तो अपने टीसीसी एक्सचेंज से वहाँ जो भी है टीसीसी वैलेट जो भी है वहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए। वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, आधे एक घंटा जितना हो सके आपके पास समय निकाल करके ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग नहीं आता है तो ट्रेडिंग सीखिए, यूट्यूब में आपको सब चीज़ मिलने वाला है। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कि मेरे को ये चीज़ सीखना है, तो हो सकता है कि मैं उस पर ऊपर वीडियो बना दूँ, नहीं तो मेरा उस पर इंस्टाग्राम पे आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं कभी कभार लाइव आता हूँ, बहुत ही फेसबुक पे तो ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता, यहाँ तक मैं बहुत कम, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ही कम, सोशल मीडिया बहुत ही कम यहाँ पे जो है एक्टिव देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पे मैं नहीं रहता, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे कभी कभार मैं रहता हूँ, और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा कोई भी क्वेश्चन हो टीसीसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया कि टीसीसी का रेट ये घाटा क्यों है,
और कैसे बढ़ सकता है। अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो तो दूसरों को छोड़ दो, आप खुद अगर आपके पास टीसीसी है तो लग जाओ ट्रेडिंग करने में। ज़्यादा नहीं, अगर 1,000 यूजर भी ट्रेडिंग करते हैं 10 लाख लोगों में से, तो टीसीसी का रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब तक इस पर ट्रेडिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जिसको पैसा टीसीसी कमाना है, इसके रेट घटने बढ़ने से नहीं मतलब होता है। आप ट्रेडिंग मास्टर बनो, एक पैसा भी इसका अगर रेट है ना टीसीसी का अगर हो जाता है तो उस पर भी आप बेनिफिट कर सकते हो, अगर आपको ट्रेडिंग आए तो बाय सेल करके एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो ऐसे करते हैं टीसीसी क्रिप्टो करेंसी में, अपना बेनिफिट ऐसे किया जाता है, ऐसे फ्यूचर बनता है, ना कि इसको पाल पोस्ट के रखने से अचार डालने से नहीं बनने वाला है। तो आई होप कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको भी बातें पूरी लगी होगी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यही मेन रीज़न है टीसीसी के रेट को घटने का। फर्स्ट मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट ने लीगल नहीं किया, सेकेंड जो है आप खुद हो, ठीक है। सेकेंड आप नहीं, मैं भी हूँ, हम सब हैं, और कंपनी भी है। कंपनी को भी मैं दोष देना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी इन सब चीज़ों को यूजर तक, बस कंपनी देखिए कंपनी जानती है क्यों घटता है, ठीक है, लेकिन कंपनी ये क्या कहती है इन सब चीज़ों को, ये बोलेगी पूछने पे, कंपनी से अगर पूछ रहा है तो ये बोलेगी कि यूजर समझते नहीं हैं, ठीक है। अरे जब तक आप लोग यूजर को समझाओगे नहीं तो यूजर समझेंगे कैसे, सपने में या हवा में, कैसे बताओ मेरे को, नहीं समझने वाले। तो कोई तो होना चाहिए ना समझाने वाला, ठीक है। तो जो जानकारियाँ मिली एंड जो मेन रीज़न है उसको मैंने समझा, उसके बाद मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया हूँ, और गूगल पे भी मैंने सर्च किया इसके बारे में, देखा क्या है, तब उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो को समझ में आएगा होगा आपको। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो ऑनली टीसीसी में बनाया, लेकिन इंडिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के रेट हैं इंक्रीज डिक्रीज, मतलब जो है बढ़ नहीं रहे घट गए हैं, तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई होता है, क्योंकि ये सारे एक्सचेंज के क्यों रेट घटता है, तो इस पर भी ये वीडियो आ सकता है, अप्लाई हो सकता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन समझाने के लिए लंबा तो हो ही जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो कि कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा लेकिन ऑनलाइन की दुनिया से टॉपिक मेरा चेंज होने वाला है, ठीक है। मैं अपना कुछ अलग से यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस लास्ट वीडियो को। अगर चाहते हो नेक्स्ट वीडियो तो कुछ कमेंट ऑनलाइन की दुनिया से, क्योंकि मैं भी कुछ अलग करना चाहता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, तो थैंक्स, आपने जो स्टार्टिंग से जो लोग मेरे सब्सक्राइबर जो बने रहे मेरे वीडियो देखते हैं उनको तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सारे टीसी यूजर तक शेयर कीजिएगा। बाय बाय।